अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम क्योंकि पीप्स इन्फेक्शियस डिजीजेस कर रहे हैं तो उसमें अगली डिजीज हम करने लगे विच इज मीजल्स। आप लोगों को पता है ये बहुत छोटी छोटी सी डिजीज होती है मीजल्स मैम्स, और मैं आपको ये सारी कराती हूँ ताकि आपकी कवर हो जाए। और ये आती भी है, ठीक है। बहुत मजे की बात यह है कि ये आसान तरीन बीमारियां, मतलब आसान तरीन पढ़ने के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से आसान तरीन सी बीमारियां हैं। और ये आपकी अक्सर औकात में से एसीक्यू भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, तो आप इसको अगर जरा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो कहानी कुछ यूं है कि आपको पता है कि मीजल्स इज अ वायरल इन्फेक्शन जिसमें एक रैश होती है, ठीक है, एंड द रैश इज मैक्यूलोपेपुलर। अब देखिए इतना आसान ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू आता है कि मीजल्स का सिनेरियो बताते हैं कि बच्चा प्रेजेंटेड टू यू विद अ हाई ग्रेड फीवर फॉर द लास्ट 2 to 3 days एंड ही हैज अ रैश विच स्टार्टेड बिहाइंड द ear and then it spread to the whole body. He also has symptoms of cough and conjunctivitis. और आप बताए कि उसकी जो rash है वो किस किस्म की है, ठीक है। अब scenario में उन्होंने ये नहीं पूछा आपसे कि वो क्या diagnosis है, definitely ये measles है। उसकी rash किस चीज है, erythematous rash है, either the rash is macular, the rash is pustular, the rash is maculopapular, the rash is कोई और 500 बता देंगे। तो डेफिनेटली आपको अगर ये इतनी सीधी सी बात ना पता होगी तो आपका क्वेश्चन कहां से गलत हो जाएगा। मैं बता रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो एमसीक्यू में आती है, तो इन बातों पे ना थोड़ा सा अटेंशन दे दिया करें। या मैं खुद इवन जब मैं पढ़ूं तो शायद मैं भी कभी इन बातों पर ध्यान ना दूं इतने गौर से, लेकिन ये आपके एमसीक्यू का पार्ट है, ठीक है। मैक्यूलोपेपुलर रैश है इसकी, जो आपका जैसे हर्पीस होती है उसकी वेजिकुलर इरप्शन होती है, इसी तरह चिकन पॉक्स आगे मैं पढ़ाऊंगी उसकी डिफरेंट होती है। तो बहरहाल मीजल्स की जो है वो मैक्यूलोपेपुलर रैश होती है, रेड सी होती है, एरिथमेटस सी होती है, ठीक है। और इसमें कहीं भी वोजाइकल्स नहीं बनते, कहीं भी फ्लूड फिल्ड स्पेसेस, फ्लूड फिल्ड एरियाज नहीं बनते, बस रेडनेस, थोड़े थोड़े से उभरे हुए स्किन से रेड रेड एरियाज होते हैं जो कि खुद ब खुद ठीक होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मीजल्स के बारे में क्या है, तो ये वायरल है ना, ठीक है, कि जो इसकी रैश है वो हमेशा स्टार्ट होती है बिहाइंड द ईयर्स, फेस से शुरू होगी। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक उन्हें बताना होगा तो बताएंगे कानों के पीछे से शुरू हुई थी, वरना बता देंगे मुंह से शुरू हुई थी और पूरी बॉडी पे फैल जाती है, ठीक है। तो ये इसकी मीजल्स की रैश के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मीजल्स के बारे में ये है कि इसके साथ हमेशा आपने याद रखना 3 C's इसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। आपको जरूर उन्होंने इसमें से किसी दो चीजों का जिक्र किया होगा बीच में इन योर सिनेरियो, तकरीबन हमेशा ही कहते हैं। अगर आपको ये बता देते कि रैश थी जो कानों के पीछे शुरू हुई है पूरी बॉडी पे फैल के साथ बच्चे को बुखार है, तो वो नहीं भी जिक्र करेंगे तो भी फाइन, लेकिन क्योंकि ये सिनेरियो में आता है ना, मतलब बच्चे को होता है ऐसा, तो कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस ये तीनों सीज होते हैं के साथ मीजल्स के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये बुक में शायद आपको एज इट इज लिखे हुए ना भी मिले। तो सिंपल सी बात है कि मीजल्स आपकी बताई कि वायरल इन्फेक्शन है, और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो हम मीजल्स वैक्सीन इस्तेमाल कराते हैं हर बच्चे को एट 9 months, वो भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अगर बच्चों को मीजल्स वैक्सीन नहीं लगी या फिर कुछ बच्चों में उसके बाद भी किसी और स्ट्रेन से सुपरसीडेड मीजल्स इन्फेक्शन हो जाता है। बस आपको पता है कि मीजल्स का जो वायरस होता है ये बेसिकली, क्योंकि हमने कहा ना कफ को रेज़ कनेक्टिवाइटिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इन्वॉल्व करे, जिसकी वजह से कफ एंड या नेजल पैसेज को भी इन्वॉल्व करे, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात आ गई, आईज में भी जा सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी डिफरेंट सीरस सर्फेसिस होती है, सॉरी सीरस कैविटीज होती है, उनको भी, उनकी भी लाइनिंग में ये जा सकते हैं, आपकी बाकी मेम्ब्रेन लाइनिंग में भी जा सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो लिम्फ नोड्स है या लिम्फोइड सिस्टम है वहां पर भी चला जाता है। रिजल्टेंटली क्या होता है कि इसके खिलाफ जाहिर एंटीबॉडीज बनती है और उसकी वजह से एक बुरा रिएक्शन सा होता है और ये सारे सिलसिले होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर इस बात में इतनी याद रखने की इस बात को जरूरत नहीं है, जो बात याद रखने वाली एक और बात थी यहाँ पर इम्पोर्टेंट, वो है कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स जो आपके एग्जाम में आता होता है। कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स की तस्वीर आती है, ठीक है, एक बच्चा होगा उसका उन्होंने दिखाया होगा, इधर से मुंह दिखाया होगा और एक साइड पे जो जबड़ा होगा ना ऊपर वाला वो नजर आ रहा होगा, और उसके ऊपर छोटे छोटे से दो ऐसे कलर के ना ऐसे ये जो टीथ होंगे, ये टीथ है सपोज, और ये टीथ के ऊपर वाला मसूड़ है, यहाँ पर ऐसे दो दाने से बने हुए होंगे, ठीक है, ये होते हैं आपके होंगे व्हाइट से कलर के और इसकी रेड बेस होगी। तो दीज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स जो कि मीजल्स के शुरू में अपेयर होते हैं और इसके बाद ये साइन होते हैं पर्टिकुलरली मीजल्स के। तो बच्चा अगर हमारे पास आते हैं एक बहुत हाई ग्रेड फीवर का एक्सेसिव क्राई के साथ आता है, बहुत रो रहा है, माँ कहती है कुछ खा पी नहीं रहा और फीवर है इसको, तो हम उसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्पॉट जरूर देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी मीजल्स की रैश अपेयर होने वाली हो जो भी हुई नहीं, और खासतौर पर अगर उसको कफ कोराइजा हो साथ फिर तो हम जरूर देखते हैं, ठीक है। तो ये मीजल्स की रैश अपेयर होने से पहले कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स नजर आते हैं, ये भी आपके एमसीक्यू में ऑस्पी की तस्वीर आती है, सिनेरियो साथ होता है तो आपको समझ में आ जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर देखा जाता है कि क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, तो 3 stages होती हैं, जैसे मैंने बात की कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा, उसके बाद एक प्रोड्रोमल, इंक्यूबेशन पीरियड में तो कोई फीचर नहीं होगा, जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है उसमें आते हैं आपके पास ये वाले फीचर्स, या फीवर होना शुरू होता है उसके साथ, उसको खांसी जुकाम है, आंखों में दर्द है, कंजक्टिवाइटिस के फीचर्स, आंखें लाल हो जाती हैं, और फिर आता है उसका तीसरा है मैक्यूलोपेपुलर रैश स्टेज, जिसमें रैश होती है।
अब आपको स्टेजेस कोई भी आपसे पूछता नहीं है, लेकिन कम से फिर इनके नाम आपने याद रखने, ठीक है, कि इंक्यूबेशन पीरियड है, फिर प्रोड्रोमल है और फिर आपकी मैक्यूलोपैपुलर रैश है। इस वजह से कि अगर कभी आ जाए तो आपको नाम तो आते हो, लेकिन आपने जो बेसिकली बाकी बातें याद रखनी है ना, वो यही वाली है जो मैंने आपको बताई है कि बिहाइंड द ईयर्स है और कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स और ये सब कुछ है। फिर आपने एक और बात याद रखनी है, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको कहते हैं हेमरेजिक मीजल्स, या फिर दूसरा इसका नाम होता है शायद ब्लैक मीजल्स, अब सेम नजर है हेमरेजिक मीजल्स को हम इसको कहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपका बॉडी के, क्योंकि सारा जो रिएक्शन होता है ना वायरसेस के खिलाफ ही होता है आपकी इम्यूनिटी का, तो बॉडी की इम्यूनिटी वायरसेस के खिलाफ जो रिएक्शन हो रहा होता है स्किन के लेवल पे, वो इतना सिवियर होता है कि उसमें आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर ये रिएक्शन चल रहा है ना, ये ब्लड वेसल है मेरी वायरसेस के अंदर आया हुआ है इसके अंदर, और आपके जो इम्यूनिटी है वो लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन पे भी बहुत सारी रैश आ रही है। ये रिएक्शन तो बहुत सिवियर होती है, ब्लीडिंग होती है, तो आपकी जो नॉर्मल रैश थी जिसमें मैक्यूलोपैपुलर थी, वो बेसिकली आपकी मैक्यूलोपैपुलर रैश के साथ साथ एकीमोसिस होता है। एकीमोसिस का मतलब है ब्लीडिंग जब होगी ना और आपकी स्किन पे पर्पल पर्पल से नील्स है पड़ते हैं छोटे छोटे, उसको एकीमोसिस कहते हैं, मतलब उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो जो साइज यहाँ पर अपेयर होते हैं उसको एकीमोसिस कहते हैं। तो ये इतना सिवियर होता है कि आपका इतना शदीद हेमरेज, और फिर अगर ट्रीट ना किया जाए सही से तो फिर इट कैन कॉज इवन मोर्टैलिटी इन बच्चे जो किड्स है, तो आपने इसको बड़ा ध्यान करना होता है, हर किसी में नहीं होता लेकिन स्टिल यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, डायग्नोसिस आप इसका हम किस तरह से करते हैं, डायग्नोसिस क्लिनिकल ही होता है, बहुत ही रेयर होता है, कभी हमें कुछ करवाने की जरूरत पड़े, हमेशा ही इसका डायग्नोसिस आराम से हो जाता है क्लिनिकली। अगर आपने कराना है तो सपोज आप अगर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराते हैं तो आपको वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स मिलते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स वो क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर मैंने आपसे कहा है कि रिएक्शन चल रहा होता है बिटवीन द वायरस एंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, तो वायरस को करने के लिए एक्यूमुलेट बॉडी के व्हाइट सेल्स सारे मिल जाते हैं, दे फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, ठीक है, तो वो आपको मिल सकते हैं। नेजल म्यूकोजा का आप स्मेयर कराएं और वहां पर आप डायरेक्टली चेक कर लें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स को, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। इसी तरह आप टिश्यू कल्चर करा लें, मतलब आपको जो स्पेसिफिक टिश्यू लग रहे हैं, नेसोफेरेंजियल लग रहे हैं, उसमें आप वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल काउंट नॉर्मली आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन में कम ही हो जाता है, लेकिन इसमें कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एलपी आप तब कराते हैं लंबर पंक्चर जब आपको कोई एनकेफेलाइटिस का साइन मिल रहा हो, अदरवाइज नहीं कराने की जरूरत होती सीएसएफ को चेक करने के लिए, तो फिर आपको जो सीएसएफ वायरल मेनिंजाइटिस वाले साइन है वो मिल सकते हैं। मैनेजमेंट इसकी सारी सपोर्टिव है, कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, बस बच्चे को होता है आप उसे रीअश्योरेंस कराते हैं माँ बापों की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, 7 से 10 दिन में ठीक हो जाएगी, और आपने इनको अच्छी नर्सिंग केयर से मुराद ही होती है कि आपने उनकी हाइजीन का ख्याल रखना है, दानों को ये ना कि इसमें पस पड़ने लग जाए, कोई ऊपर से इन्फेक्शन हो जाए, तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है। बुखार के लिए आप एंटीबायोटिक्स देते थे सिंपल से, अगर बच्चा बहुत इरिटेबल है, बहुत रोना डाल रहा है, रोए जा रहा है, तो फिर आप उसका कोई सेडेटिव दे देते हैं थोड़ी बहुत माइल्ड सी, ठीक है। जहां कमरे में वो हो वहां कमरा ह्यूमिडिफाई जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चे को ऐसा ना हो कि वो रोता बहुत ज्यादा है ना, तो और खांसी भी उसके साथ जो काम भी होता है, तो वो डिहाइड्रेट ही ना हो जाए। एंटीबायोटिक्स हम तब देते हैं जो थोड़े से हमें लगता है कि इम्यूनो सप्रेस चाहिए, ताकि उनमें ऐसा ना हो कि वो सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। अब एक और बात ये जहन में रखनी, आप देखिए मीजल्स में ना विटामिन ए देने का बड़ा रोल देखा गया है, उतना ये नहीं मैं कह रही कि बहुत 100% अच्छा होता है, लेकिन बच्चों की मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों इसकी वजह से काफी कम देखी गई है। तो अब ये नई स्कीम आई है, मतलब नई से मुराद अब नई तो नहीं आई, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करती थी। क्या भी करते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, खास तौर पर जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको तो जरूर दे देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, जो आपके मतलब यंगर किड्स होते हैं, उनको आप कम भी दे देते हैं डोज, लेकिन स्टिल आप देते जरूर हैं। द रीजन इज कि विटामिन ए से देखा गया है कि जो डिजीज है उसका कोर्स लंबा नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस कम डेवलप होती है और जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए ना मैंने ऐसी ये बनाई थी कि जो जगह है अगर वह याद रहेंगी तो आप उनके साथ सिंपली आईटीसी लगाना होता है ना, ब्रेन याद रखें, एनकेफेलाइटिस हो जाता है इसका, बड़ी बड़ी कॉमन सी चीज है। उसके बाद आईज में अगर ये जाएगा तो ऑप्टिक नर्व डिकम्प्रेशन, ऑप्टिक नर्व डैमेज, कॉर्नियल अल्सरेशन, कंजक्टिवाइटिस कुछ भी कर सकता है। देन आ जाता है ब्रेन के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इट कैन सिंपली कॉज निमोनिया। हार्ट है अंदर तो हार्ट में ही चला जाएगा, एंड इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। जीआईटी में आ जाएगा तो आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा। जहां जहां पर आप जाए ना वहां वहां आई टेस्ट लगा दें, आसान लफ्ज है, तो इसलिए ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ये आपसे ना पूछते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बताई है, तभी याद रखिएगा। बस इतनी सी बात थी, किसी को मसला होगा ना आसमी। थैंक यू।